सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस जे फौजी अदालतों में ट्रायल जो मामलो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब जमा कराए छो 9 मई वाकन में मुलवस सिविलियंस ट्रायल शुरू थी चुको है। गडियल तौर से 102 जणन के फौजी ठाकन के हमलन के इल्जाम में हिरासत में वरतो वो जवाबदार के आर्मी एक्ट 1952 तहत हिरासत में वरतो वो हुकूमत जो जवाब में मौकफ़ 5 रुकनी लार्जर बेंच फौजी अदालतों में ट्रायल खिलाफ दरख्वास्तों से बुधनी कह जस्टिस एजाजुल हसन 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही क नून लीग कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद पेंे घर रायबिंड आमद नवाज शरीफ की वापसी से रायबिंड में ईद जड़ो माहौल शरीफ खानदान के मानून बारन पार नवाज शरीफ की आजियां इसराइल की फौज गाजा से हमला तेज करण जो हमलो कर छो इसराइल की फौज जो तर्जुमान जनरल डैनियल हगारे चे तो असा के जंग की इंदड़ मरहले में बेहतरीन इम्कानी हालतों में दाखिल थियण घुर्जे अज का हमला तेज कर खतरे के घट कर व्याहूँ हिजबुल्ला लिबनान के जंग में धिकेच रही है। हिजबुल्ला के बदनर हमलन से लिबनान के जंग में धिकण जो खतरो है। इसराइल के फलस्तीनियन से वैशियानी बमबारी जारी शहीद फलस्तीनियन जो अंग 4385 थी वो शहीद थियलन में 2012 1400 औरतू शामिल फलस्तीन में इसराइल की जारियत 15 दिन भी रुक न सकी। इसराइल की फौज पारा मासूम फलस्तीनियन खिलाफ कार्रवाई जारी गाजा में बमबारी सबब 19 फलस्तीनी शहीद इसराइल की फौज पारा अस्पतालों स्कूल मस्जिदों रिलीफ कैंपन के भी निशानों बनाया वो इसराइली बमबारी में मार वल हेल्थ वर्कर्स जो अंग 51 थी वो हेल ताईं 12 लख फलस्तीनी बेघर थी चुका। मिस्र की सरबराही में काहिरा में अमन इजलास सऊदी अरब समेत अरब मुल्क की गाजा से इसराइल की जारियत की मजम्मत अरब मुल्क फलस्तीनियन की जबरी बेदखली के रद्द कर छो गडियल कौमन फ्रांस जो गाजा में फौरी जंग बंदी जो मुतालबो फलस्तीन जो सदर महमूद अब्बास चवे तो केर भी असा के पेंी सरजमीन में बेदखल नथो कर सके असा पेंी सरजमीन के कदें भी न छींदी उर्दुन फलस्तीनियन के लड़ पलाण के जंगी डोह करार दे छो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जी अमरीकी सैनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात में बतरफन लागापन इसराइल तकरार से ख्यालन की डेवट सऊदी वली अहद चवे तो अमरीका सऊदी अरब खत्े के इस्तेहकाम में गड़ियल मुफाद रखन था गजा में इस्तेहकाम के बहाल करण घुर्जे फलस्तीनी अवाम के हक दियारन लाए अमन शुरू थियण घुर्जे अमरीकी सैनेटर लिंडसे ग्राहम चयो तो सऊदी अरब खत्े के मुस्तकबिल लाए मुख्य किरदार अदा कंदो आहे। सिंध के निगरान वे वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर पायलट के 29 रुकनी वफद की मुलाकात वफद की सरबराही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करामत अली कर रो हो वफद मजदूर के मसलन के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर के आगाह कर मजदूर की उजरत 32,000 ऐलान से अना ताई अमल ना थो वफद के निगरान वे वजीर के ब्रीफिंग मजदूर की घट में घट पघार 32,000 लागू कराया वे वजीर की सेक्रेटरी लेबर के हिदायत बीएनपी के सर से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में अमन मार्च लसबेला खुजदार बन जिलों में हजार मर्द औरतू बार रोडन से निकली आया सरदार अख्तर जान मेंगल बिया अगवाण कोयटा में अमन मार्च जलसे के खिताब कंदा। डीजी रेंजर्स सिंध जो नूरियाबाद एग्जीक्यूटिव क्लब ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो दौरों एग्जीक्यूटिव क्लब ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर मेंबर मेजर जनरल अजहर वकास की आजियां कई डीजी रेंजर्स पारा कानून लागू कदर इदारन के किरदार शहीदों की कुर्बानियों से भेटा पेश डीजी रेंजर्स चवे तो कराची पाकिस्तान जो मुआशी हब है व्यापारी बिरादरी जो मुल्की तरक्की में मुख्य किरदार है इंडस्ट्रियल एरियाज में सिक्योरिटी के वधिक असरायतो बनाए पे वे
खैरपुर में जमायत उल इस्लाम जो सिंध में बदमनी करप्शन कबायली झेड़न बेरोजगारी फलस्तीनियन की हिमायत में अमन मार्च ठेड़ी बाईपास का सखर लाए रवानो। जेयूआई सिंध जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो चवे तो नवाज शरीफ की वापसी सुठो अमल है। सिंध में धारियल कल्चर वो राज है, मैरिट जो कतलेआम थी रो है। सिंध जो अवाम मुतबादिल तौर से जमायत उल इस्लाम के ऐसे तो सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में फलस्तीनियन से इसराइली बमबारी खिलाफ़ सियासी समाजी तंजीमन जो रैलियों मुजाहरा जैकमाबाद नसीराबाद काजी अहमद कंदकोट सकरन बाडरे बिन शहर में रैलियों मुजाहरा इसराइली बमबारी सबब हजारे मानू अजल जो शिकार थे गड़ियल कौमू तोड़े आलमी बरादरी इसराइली डाढ़ जो नोटिस वन अगवाणों के मुतालबो। घड़ी शहरों में सारियों जो मुनासिब अग न मिलने खिलाफ आबादगारों जो धरणो आबादगारों का चवण है तो व्यापारियों सारियों जो अग घटाए छो है 4500 रुपये बदर 2200 रुपये में पी मण सारियो खरीद क्यों पी वन मामले जो नोटिस वी आबादगारों से इंसाफ कर वे। मौसमियात खाते अरबी समुंड में तूफान बाबत चौथों अलर्ट जारी करे छो। तूफान की शिदत वधण का पोए सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील। तूफान कराची का 1880 ए गवादर का 1670 किलोमीटर फासले से मौजूद तूफान के मरकज में 100 का 110 किलोमीटर फी कलाक की रफ्तार से हवाओं खुलन लगियं। मौसमियात खाते जो चवण है तो तूफान सबब 25 फुट तई छोलियं उठी रही हैं। पाकिस्तान की कें तो सामुंडी पट्टी के तूफान में खतरो ना है। वर्ल्ड कप 2023 भारत पारा न्यूजीलैंड खिलाफ टॉस खटे पहले फील्डिंग जो फैसलो मेगा इवेंट में हेल ताई बई टीमों चार चार मैचेस खटे चुके। पाकिस्तान का नंबर वन ट्रैक्टर टायर।